अगर आप कोई दवा लेते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर दवा बेअसर साबित होती है तो इसकी सीधी शिकायत आप फार्माकोविजिलेंस के एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर पर या फिर टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-3024। अगर आपको लगता है कि जो दवा डॉक्टर लिख रहे हैं उसका आप पर दुष्प्रभाव हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, आपके डॉक्टर इसकी जानकारी दवा नियामक को देंगे। जो 24/7 ये सुविधा उपलब्ध है, हमारे सेंटर हमेशा कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में और कई तकनीकी हम इजहार करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति गांव में बैठा हो, शहर में बैठा हो, हॉस्पिटल में हो, वो अपनी मोबाइल से, अपने टेलीफोन, दूसरे जो लैंडलाइन है या और जो हमारे तौर तरीके अस्पताल के थ्रू अपनी चीज़ें हमारे यहाँ पहुँचा दें। दरअसल दवाओं के दुष्प्रभाव पर नज़र रखने के लिए 2010 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाया था जहां से दवाओं की निगरानी की जाती है। फार्माकोपिया कमीशन ने देश भर में 250 निगरानी केंद्र बनाए। ये केंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बनाए गए जहां से सूचना सीधे गाजियाबाद के इस केंद्र में भेजी जाती है। भेजी गई शिकायतों की फार्माकोपिया कमीशन में आकलन और विश्लेषण किया जाता है और उसकी रिपोर्ट DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। DCGI इसे अपने स्तर से जांच करता है और सही पाए जाने पर दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। क्वालिटी के लिए हम स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को, अपनी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और भारत सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है। पहली बार ये हुआ है कि 1850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार किसी सेक्टर में कर रही है रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर पाए इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। पिछले 7 सालों में कमीशन को 3 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सभी लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवा मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार देश के 250 केंद्रों से दवाओं की निगरानी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि फार्माको विजिलेंस कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाया जाए ताकि दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी किया जा सके। कैमरामैन पूरन चंद जोशी के साथ नितेंद्र सिंह, DD News, गाजियाबाद।